हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक एप्लीकेशन के बारे में। गेमिंग एप्लीकेशन है, स्टक टूल क्लब है ये, ठीक है। इस एप्लीकेशन में होता क्या है कि आपको एक पूल मिलता है, ठीक है। तो पूल आपको खेलना होता है और पूल से खेल के आप किसी से बैट लगा सकते हो, उसमें आप उससे वो विनिंग अमाउंट जीत सकते हो। सिंपल इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ओपन होने के बाद इस एप्लीकेशन में होता क्या है कि आप किसी और से बैट लगा सकते हो पूल में, कि आप उनसे बैट लगा लीजिए। जैसे कि 50 रुपीज़ का मैंने उनसे बैट लगाया, उन्होंने मेरे से 50 रुपीज़ का बैट लगाया। अगर मैं जीत गया तो 50 रुपीज़ मेरे पेटीएम अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा आएगा तो आप सिंपल यहाँ पे टिक लगा के इनकी टर्म एंड कंडीशन पे करके यहाँ पे एग्री कर सकते हो। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, फेसबुक से और नीचे वाले ऑप्शन से भी आप लॉगिन हो सकते हो। मैं सिंपल आपको फेसबुक से लॉगिन होकर दिखाता हूँ। फेसबुक पे आप सिंपल क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑफलाइन भी ऑप्शन है, ऑफलाइन भी खेल सकते हो आप। फेसबुक पे सिंपल आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फेसबुक आईडी मांगेगी, ठीक है। तो फेसबुक आईडी आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। लॉगिन होने के बाद कुछ टाइम लेगा, ये लॉगिन होने के बाद फिर यहाँ पे लोडिंग लेगा, ठीक है। फिर ये ऑटोमेटिक ये लॉगिन हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ कंडीशन पूछेगा अलाउ करने, आप अलाउ कर दीजिएगा, ठीक है। उसका थोड़ा सा और लोडिंग होगा। फिर यहाँ पे एक स्पिन का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे सिंपल स्पिन कर सकते हो। स्पिन करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे कॉइन्स मिलते हैं, ठीक है, पासिस मिलते हैं जिसको आप गेम्स में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे को जो ये दिखा है, मेरे को कुछ मिला है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को अपने गेम्स में यूज कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी गिफ्ट पैक मिला है मुझे, मैं उसको अपने गेम में इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो सिंपल ये कि पूल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप पूल खेल के इनकम कर सकते हो। यहाँ पे देखिए फ़ोन नंबर डाल के मेरे को वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दो गेम है, पूल का ऑप्शन है और यह देखिए यहाँ के लिखा है पहले ये पूल सिखाएंगे, ट्यूटोरियल्स आप यहाँ से सीख भी सकते हो कि पूल कैसे खेलने, कैसे मतलब स्टिक को कैसे पकड़ना है, माउस को कैसे साइड कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उंगली है, उंगली को ऐसे अगर आप इस लाइन को अगर आप ऊपर से पकड़ोगे और साइड वाइज करोगे, ये देखिए मैं उसको कर रहा हूँ, तो ये बॉल का जो निशान हो जाएगा यहाँ पर साइड में, देखिए प्रेस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ प्रेस करोगे तो उतनी तेज़ से बॉल को प्रेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीख चुके हैं, यहाँ पे दिखा रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ये सीख चुके हो, ट्यूटोरियल सीख चुके हैं। यहाँ पे देखिए वेरीफिकेशन के लिए आ रहा है, मेरे को मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मैं दोबारा से वेरीफाई मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करके लॉगिन होता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं इसमें लॉगिन होता हूँ मोबाइल नंबर डाल के। ये दोबारा फेसबुक आईडी मांग रहा है, मैं लॉगिन हो जाता हूँ उसको। मैंने फ़ोन नंबर नहीं डाला था, फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो डाल लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे देखिए पेटीएम आ रहा है, प्ले ऑप्शन का आ रहा है, बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है। बाय नाउ पे अगर आप क्लिक करोगे तो बाय नाउ पे आपको जो चिप्स है, जो कॉइन्स है, वो आपको ख़रीदने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे पॉइंट्स यहाँ पे देखिए इतने 300 कॉइन्स आपको मिलेंगे 30 रुपये में, ठीक है। 300 कॉइन्स आपको 30 रुपये मिलेंगे और ये जो 2400 जो ये टोकन से फ्री मिलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 1000 का मिलेगा, 100 रुपये में 1000 कॉइन्स मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ से कॉइन्स परचेज कर सकते हो और कॉइन से आप बैट लगा सकते हो, ठीक है। आप रियल मनी यहाँ पे इन्वेस्ट करके आप इनसे कॉइन ले सकते हो और कॉइन लगा के आप यहाँ से बैट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। वन ऑन वन मतलब कि एक के साथ आप, एक प्लेयर के साथ आप एक खेल सकते हो। यहाँ पे सेकंड पोकर, यहाँ पे थर्ड बॉल 9 आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे गेम मिल जाएंगे आपको, लेकिन सारे पूल्स के गेम मिलेंगे आपको। जैसे कि मैंने एक सेलेक्ट लेता हूँ और यहाँ पे बंदा चूज़ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई बंदा मेरे को मिलता है तो मैं उसके साथ खेल सकता हूँ। अगर कोई बंदा ऑनलाइन होगा 1v1 में, मतलब कि एक अकेला बंदा वो खेलना चाहता है किसी और अकेले के साथ, तो यहाँ पे ऐसे सर्चिंग होती है। अगर कोई मेरे को बंदा मिलता है तो मैं उसके बंदे के साथ खेल सकता हूँ, बैट लगा सकता हूँ, जितने रुपये का मैं लगाना चाहूँगा और जितने रुपये का वो लगाना चाहेगा, ठीक है। जैसे कि 50 रुपये का लगाएगा वो, 50 रुपये का लगाऊंगा मैं। अगर मैं जीतता हूँ तो मेरे को 100 रुपये मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। उसमें से कुछ पैसा कटता है, ठीक है, लेकिन 100 रुपये जो है वो मेरे अकाउंट में मिल जाएगा। उसको मैं पेटीएम को क्यों निकाल दूँगा। यहाँ पे देखिए ये लिखा है नो फाउंड मैच, मतलब कि अभी तक 1v1 गेम में कोई भी मेरे को प्लेयर नहीं मिला है खेलने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है नीचे नो मैच फाउंड, मतलब कि मैं खेल रहा हूँ लेकिन और कोई बंदा ऑनलाइन नहीं है 1v1 में, ठीक है। तो ये मतलब इसमें मेरे को नहीं मिला, ठीक है, मतलब कोई बंदा नहीं मिला खेलने के लिए। तो सिंपल यहाँ से बैक होने के बाद मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ, ठीक है। अगर मैं वीडियो के दोबारा ट्राई करूँगा और आपको दिखाता हूँ कि इसमें मेरे को मिलता है तो मैं कैसे खेलता हूँ, कैसे खेलना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे चिप्स की ऑप्शन है, बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग कॉइन्स है, कैसे मिलते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे कि 300 कॉइन्स करके मिलेगा। कॉइन्स लेने पड़ते हैं, मेरे पास अभी 0 कॉइन्स, ऊपर देखिए 0 कॉइन्स लिखा है,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं एक गेम आपको प्ले करके दिखाता हूँ, अगर वो बंदा कोई बंदा ऑनलाइन आता है तो मैं उसके साथ खेल के दिखाता हूँ कैसे खेलना है, ठीक है। तो देखिए मैं देखता हूँ 1v1 में दोबारा जाके, अगर बंदा मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा से खेलूँगा, ठीक है। अब शायद इसमें बंदा मिल जाएगा मुझे, क्योंकि बंदे आते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे को एक बंदा मिल गया, अब मैंने इसका प्ले कर लिया, मैंने गेम स्टार्ट कर दिया। देखिए ये एक दूसरा बंदा है और एक मैं हूँ, ठीक है। और यहाँ पर टाइमिंग भी चलती रहती है, जैसे कि मेरा है तो मैंने बॉल प्लेस किया और यहाँ से प्रेस किया, ठीक है, तो ऐसे चलता है, ठीक है। उसके बाद मेरे यहाँ पर टाइमिंग भी चलता है, ये देखिए। उसके बाद मेरे खेलने के बाद उस बंदे की बज्जी आएगी, ठीक है। उस बंदे के बाद देखिए उस बंदे का टाइमर चल रहा है और वो बंदा खेल रहा है यहाँ से स्टिक पकड़ के, ठीक है। अब वो कैसे भी मारे बॉल को, उससे मुझे कोई लेने देने नहीं। अगर वो हारता है तो पैसे वो हार जाएगा, मैच जीतूंगा तो पैसे मैं जीत जाऊँगा, ठीक है। ऐसा सीन होता है, ऐसे पूल खेलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उस बंदे की बारी है, ठीक है, प्लेयर टू है। अगर वो नहीं चलता है तो फिर मेरी बज्जी आएगी, ठीक है। तो देखिए उसका टाइमर होने वाला है, अच्छे चल दिया उसने मेरे ख्याल से, ठीक है, तो मेरी बज्जी आएगी। तो ऐसी गेम होता है, इसमें आप ऐसे बॉल्स को पॉट्स में डालना होता है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्राइक और सॉलिड दो तरह की बॉल होती है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको गेम खेलना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताने वाला था कि पूल्स खेल के आप किसी से बैट लगा के इसमें अच्छा खासा इनकम कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, ठीक है। इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप, अगर आपको बहुत अच्छा खेलना आता है तो आप किसी के साथ भी बैट लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर पेटीएम का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी इनकम आप एक शो होगी, अगर आप किसी से जीतते हो तो यहाँ पे आपके पेटीएम में आपके यहाँ पे शो होगा। उस पेटीएम को आप अपने पेटीएम अकाउंट में, पेटीएम वॉलेट में यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे लिखा है पेटीएम सेंड का ऑप्शन लिखा है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपका सारी चीज़ डिटेल सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी, सारे कुछ जीरो है, ठीक है। यहाँ पे जैसे जीतोगे तो यहाँ पे आपके यहाँ पे इनकम दिखेगी, तो यहाँ पे आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करके अपने पेटीएम वॉलेट में और बैंक अकाउंट में, दो ऑप्शन है, दो अकाउंट ऑप्शन में ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप पेटीएम में पैसे ले सकते हो, अगर आप जो जीतते हो उसको आप बैंक में या पेटीएम में ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है जी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।